वोट प्रतिशत बढ़ा है अखिलेश ने कहा, और यह संघर्ष का जनादेश है। साथ ही साथ अखिलेश ने कहा, विधानसभा चुनाव की समीक्षा अब ईद के बाद करेंगे। जनता ने समाजवादियों पर भरोसा किया है और सपा लगातार संघर्ष करती रहेगी, क्योंकि अब विपक्ष में बैठ करके वो जनता के मुद्दों को पूरी तरीके से उठाएगी। महंगाई और बेरोजगारी की मार है, ब्याज की लूट, लॉकर की लूट हो रही है, अखिलेश यादव ने कहा, और लोग अपने लॉकर के सामान की भी जांच करा लें। उम्मीद है निष्पक्ष एमएलसी चुनाव कराएंगे अधिकारी, और एमएलसी चुनाव को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। मुझे खुशी है कि उन्होंने लाल टोपी नहीं पहनी, लेकिन लाल टोपी की जगह कोई और टोपी पहनी है। गाजियाबाद जो लोग टोपी को बुरा भला कहते थे, आखिरकार क्या परिवर्तन आ गया कि खुद टोपी पहननी पड़ गई। लेकिन केवल टोपी पहनना नहीं, सिद्धांत पे खड़े रहना कैसे करेंगे। कानपुर में जो लॉकर से जो सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है उनकी लूट हो गई, ब्याज की लूट, लॉकर की लूट। हम तो अपील करेंगे जनता से, जिन जिन की ये लॉकर हैं, कम से कम अपने लॉकर चेक कर लें। इस भरोसे में ना बैठे कि लॉकर से चोरी नहीं हो सकती, लॉकर से लूट नहीं हो सकती। अगर कानपुर में लूट हो सकती है लॉकर में, तो हर जिले में भी कहीं ना कहीं बैंकों के लॉकरों से लूट होगी। अभी जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है। खबरें भी और भी हैं, आगे की खबरें इस